आज मैं दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो काफ़ी हम लोगों का हेल्पफुल होगा, वो है जीमेल। जीमेल हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? जीमेल जब भी हम लोग किसी को मेल करना चाहते हैं तो हम लोग पहले मेल में जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जीमेल लिखते हैं ब्राउज़र में, उसके बाद कंपोज आता है, कंपोज के बाद हम लोग मेल ओपन करके किसी को भेजते हैं। मतलब बहुत टाइम टेकिंग है। इस तरह से कंपोज किया हूँ, कंपोज करने के बाद जो आता है टू सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग किसी को मेल भेज पाते हैं, ठीक है। बहुत किसी कारण से भी आपको जल्दी मैसेज करना है, सॉरी मेल करना है, मगर आप कर नहीं पाते क्योंकि आपका नेट स्लो है, इसलिए मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊँ, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ इंटरनेट का ज़रूरत है और कोई ब्राउज़र कोई कुछ खुलने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। देखिए वो मेरा सॉफ्टवेयर है इस तरह से, देखिए ओपन हो गया, सिर्फ वन क्लिक टू ओपन। मान लीजिए आपको क्विक मेल करना है, ठीक है, तो पहले मुझे मेल कर देता हूँ एक तो डेमोस्ट्रेशन के लिए। मेरा जीमेल एड्रेस हम लिख लिए, सीसी में किसी को रख सकते, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। सब्जेक्ट दे दिया हेलो, सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद सेंड कर रहा हूँ, मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ, आई एम सत्यजीत चैटर्जी। ओके, हो गया। उसके बाद हम लोग सीधा एकदम सेंड और कुछ नहीं करना होगा। देख लीजिए सेंड का ऑप्शन, हम बटन प्रेस कर दिया, उसके बाद मेल सेंड। कैसे पता चलेगा आपको मेल गया कि नहीं? आपका मैं खुद ही किया था, देख लीजिए मेल यहाँ पे आ गया, सीधा मेल आ गया। हेलो, आई एम सत्यजीत चैटर्जी, मैं यहाँ से मेल किया हूँ, ठीक है, यहाँ से मेल किया हूँ, मेरे ही जीमेल अकाउंट से कंफर्म हो गया जो मेल रिसीव हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, सिर्फ हाई लिख के सेंड करता हूँ, बाकी सब सेट है, सिर्फ हाई लिख के सेंड कर देता हूँ, मेल सेंड। ओके, देख लीजिए, ये देखो आ गया ना, सब्जेक्ट हेलो था और हाई लिख के हम सेंड कर दिया। एक क्विक मेल के लिए आप लोग बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, उसके बाद आप इसको थोड़ा फीचर्स हम डाले हैं, जैसे कि रिसेट का, रिसेट कर देंगे तो आपका पूरा बॉक्स रिसेट हो जाएगा। उसके बाद अबाउट मी, वो मेरे बारे बताएगा, हम बनाया हो इसलिए। उसके बाद लॉगिन हिस्ट्री, किसका अकाउंट से आपको जा रहा है ना, उसको तो चाहिए ना, तो लॉगिन हिस्ट्री में आपका चाहिए यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम सिर्फ देना पड़ेगा, उसके बाद जीमेल का पासवर्ड और एक पोर्ट और SMTP जो जैसा है उसे रख देना होगा, ठीक है, और इसको भी चेक करना होगा, रखना होगा। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड शो और हाइड है, वो आप कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पासवर्ड ओरिजिनल है, इसलिए। तो आप ऐसे भी सेंड कर सकते हैं, क्विक मेल के लिए आप ये बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, ठीक है, मैं उसके ऊपर जवाब दूंगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करो, और किसी को अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही तक था, थैंक यू सो मच।